साथियों, आप में से कुछ ने रामचरितमानस की ये चौपाई जरूर सुनी होगी और उस चौपाई में जो कहा गया है वो आज भी रेलेवेंट है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन है। जब तक स्टेटस को रहता है उन्हें दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग मानते हैं और उनकी सोच है कि इन एक्शन इज द मोस्ट कन्वीनियंट एक्शन। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र निर्माण, देश का विकास, गुड गवर्नेंस, ये सारी बातें कन्वीनियंस का विषय नहीं रहा है। हमारे लिए ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन टू डू द राइट थिंग्स, कन्विक्शन टू ब्रेक द स्टेटस को। साथियों, कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव से ही अपने विचारों के कैदी बन जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के वो जिंदगी भर कैदी रहते हैं। ये लोग इसी में खुश रहते हैं, उनको अपनी उस एक जो माया जाल बना रखी है उसी में आनंद आता है, वो आनंदित रहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वे स्टेटस को में रहने को ही अपना जीवन मूल्य बना लेते हैं। इनके दबावों से अलग हमारी सरकार देश की तमाम व्यवस्थाओं को पुराने विचारों की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाती चली जा रही है। एक-एक करके हम हर सेक्टर को कन्वीनियंस ऑफ इन एक्शन से बाहर निकाल रहे हैं। डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के जरिए हम स्टेटस को में बहुत बड़ा बदलाव लाए और हजारों करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। ये कहना सरल है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इतने से बात पूरी नहीं होती है। 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए एक्शन जरूरी होता है। अब देखिए, रेरा कानून बनाकर हमने रियल एस्टेट सेक्टर को काले धन के बंधन से मुक्त करने का बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और मध्यम वर्ग की पहुंच, उसके सपनों के घर तक, वो अपने सपनों को पूरा करे, वहां तक हमने पहुंचाई है। मुक्ति का यह अभियान कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी चला। आईबीसी बनाकर हमने स्टेटस को बदला और हजारों करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित करने के साथ ही मुसीबत में फंसी कंपनियों को एक मार्ग भी दिखाया, वरना हमारे यहां वन वे था। आ तो सकते हो अंदर, नहीं निकल नहीं सकते। हमने निकलने के लिए भी अवसर पैदा किए। हर कोई बेईमान नहीं होता है, कभी कभी मुसीबत के कारण फंस जाता है। अपने जो उसने जो प्लान किया है वो एक आध रुकावट आ जाती है। उसी प्रकार से मुद्रा योजना बनाकर भी
हमने बैंकिंग व्यवस्था को पुरानी सोच से निकाला और 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बिना बैंक गारंटी देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को हमने रोजगार के लिए ये रुपये उनके हाथ में दिए। ऐसे ही हमने लंबे अरसे से परोपदेशे पांडित्यम की बातें सुनते आए थे, हर बार हमने सुना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाकर स्टेटस को बदला और हमारी सेनाओं में बेहतर सिनर्जी और कोलैबोरेशन को सुनिश्चित किया। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण देकर भी हमने व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन किया और गरीब की बहुत बड़ी चिंता दूर की।